Hello and good morning to my honorable members of class 10. Myself, Nitin Kumar Saxena, and I will teach you chemistry chapter 2. Its name is acid, bases, and salts. Clear? It is the second chapter of your class 10, and it is a very important chapter. In this chapter, we will discuss into 5 points. Mainly 5 points. We will discuss mainly 5 points. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे बेसिस, उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा इंडिकेटर्स, फोर्थ पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल, फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स. सॉल्ट कौन कौन से हमारे पास, कितने सॉल्ट पड़ेंगे इस चैप्टर में? हम लोग बेसिकली सॉल्ट पढ़ेंगे NaCl, कॉमन क्लोराइड, सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. सेकंड चैप्टर है वो, सेकंड पॉइंट है Na2CO3.10H2O ऑक्सीजन सोडा. थर्ड NaOH, फोर्थ NaHCO3, fifth CaOCl2. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे पास कौन सा आएगा, इसको बोलते CaS4.5H2O POP, और किससे बनता है CaS4.5H2O एक्चुअली जिप्सम. क्या बोलते हैं, जिप्सम. तो हमारे पास इस चैप्टर में बेसिकली हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है एसिड्स, सेकंड है बेस, थर्ड इज इंडिकेटर्स, फोर्थ इज पीएच स्केल, एंड फिफ्थ इज सॉल्ट. क्लियर? हम लोग एक समरी स्टडी करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, क्लियर? इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से. ओके, सबसे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे एसिड्स. नाउ स्टार्ट, व्हाट इज एसिड? Now, first we will discuss acid. What is acid? In simple language, we can say that acids are those substances which give us sourin taste. जब उन्हें हम चखते हैं, तो टेस्ट में टेस्ट में ऐसा होता है सोर. जो खट्टे होते हैं, उनको बोलते हैं एसिड्स. अब डेफिनेशन क्या है? The word acid is derived from Latin word acidus, which means sour. इसका मतलब सोर का मतलब खट्टा. जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं चखने पर, हम उसको बोलते हैं कि सो. क्या बोलते हैं? चलो, क्लियर? फिर आता है डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन सबसे आपके क्या डेफिनेशन? दो सब्सटेंस व्हिच इज स्टोर इन टेस्ट एंड आल्सो गिव्स एच पॉजिटिव आयंस इन वाटर इज नॉन एज एसिड्स. दो सब्सटेंस व्हिच गिव स्टोर इन टेस्ट एंड आल्सो गिव्स एच पॉजिटिव आयन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एच पॉजिटिव आयन इन वाटर इज नॉन एज एसिड्स. नॉट ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. जितने भी एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं. अब क्वेश्चन बच्चा पूछेगा सर कितने टाइप के एसिड्स हैं, टाइप्स ऑफ एसिड हैं. तो अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की, टाइप ऑफ एसिड्स सब कितने प्रकार के हैं? मेनली दो प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है. एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक. कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड. हमें पढ़ना है मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इसकी दूसरी नेम्स क्या है. मिनरल एसिड में बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. और ऑर्गेनिक एसिड को बोलते हैं वीक एसिड. ये मेथड है कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं, और सेकंड ये नेचुरली मिलते हैं मिनरल्स. इसको हम मैनमेड भी बना सकते हैं और लेबोरेटरी में. एंड सेकंड पॉइंट, इसको मिनरल से जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है वहां से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं. फिर आता है ऑर्गेनिक एसिड्स. क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स? क्या होते हैं सर? कि वो एसिड जो नेचर से मौजूद होते हैं, क्या किसी एनिमल की बॉडी से मौजूद होते हैं, हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. जनरली ये वीक एसिड होते हैं, दे कैन नॉट बी हार्मफुल एनी टाइप ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस.
वो ह्यूमन वायलेंस में कभी हार्म नहीं करते इन ए स्मॉल क्वान्टिटी। अब ज्यादा चीज को ले रहे आप तो हम तो वैसे भी ऑब्वियसली दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या है ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा हार्म किसी को नहीं करती है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे मिनरल एसिड कितने प्रकार के हैं और ऑर्गेनिक एसिड कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। सारे एसिड्स को आपको कॉपी पर नोट डाउन करना है और इसको बेटा आराम से लिखना है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं सर? सुनिए, एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एंड सम एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनिक एसिड? आंसर इज दोज सब्सटेंसेस व्हिच अकर्स दोज एसिड व्हिच अकर्स फ्रॉम नेचुरली सब्सटेंस एंड सम एनिमल्स इज नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर। अब डेफिनेशन कैसे मिल सकती है? मेन पॉइंट इसमें आया बेटा कि हमें ये बताना चाहिए कि वो नेचुरली हो, किसी फ्रूट्स को प्रेजेंट हो या किसी एनिमल की स्टिंग में डंक जो होता है उसमें अगर प्रेजेंट है, उसके बॉडी के द्वारा प्रेजेंट है, हम उसको बोलते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। तो यहाँ पर डेफिनेशन करेक्ट है, एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एंड सम एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। यहाँ जो सम एनिमल्स है उसको मैंने आंट के लिए यूज किया है। अगर आप इतना भी लिख करके आएंगे एसिड दैट आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स उनको हम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, योर आंसर विल बी करेक्ट। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। भाई कितने टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं? एक बार समझ के 10th क्लास में मेनली 10 या 12 आप बताते हैं, बट कितने प्रकार के होंगे सर? तो ये अनकाउंटेबल है कि सर मेरे वैसे कम से कम 50 से ऊपर ऑर्गेनिक एसिड्स अलग अलग प्रकार के। क्लियर। तो आप क्या ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल क्या है जो क्लास 10th में आएंगे सर? तो 10th क्लास के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स है वो है सिट्रस फ्रूट जो बहुत खट्टे होते हैं, लेमन, आंवला एक्सेट्रा। इनमें कौन से होगा? सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हिच सब्सटेंस कंटेन सिट्रिक एसिड? तो आपको आंसर आएगा सिट्रस फ्रूट। क्या बोलेंगे हम? सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड आंवला। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच एसिड प्रेजेंट इन मिल्क और कर्ड? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क और कर्ड। यहां पे इसका फॉर्मूला लिख दिया हूं, सिंपल फॉर्मूला है इसका CH3CHOHCOH। इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। कुछ लोग इसमें ऐसे भी सकते हैं C3H2O3 एच कितने 3 4 5 6 C3H6O3 इसको भी लिख लो। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये ओपन करके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। आपको सिर्फ ये याद करना है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। आंसर ये था खड़ा आता है स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट मधुमक्खी के डंक में और रेड आंट जो भी लाल चिट्ठी होती है उसके डंक में किस प्रकार का एसिड पाया जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसका मेनली टीचर नाम पूछते हैं और फॉर्मूला ही पूछते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होगा HCOOH। एंड इसका IUPAC नेम या दूसरा जो नेम है केमिकल नेम से बोलते हैं वो होगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सिंपल सा फॉर्मिक एसिड को हम बोलते हैं मैथेनोइक एसिड। मैथेनोइक एसिड। क्लियर है ना? मैथेनोइक एसिड ये इसका कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड ये इसका केमिकल नेम है। ओके ना बटर ये मेरी बहुत कम लोग पूछते हैं कि जो खराब हो चुका बटर है इसमें थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आ रही है उसमें पाया जाता है ब्यूटायरिक एसिड। क्या पाया जाता है? ब्यूटायरिक एसिड। फिर आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा बटर? टार्ट्रिक एसिड। एप्पल में सर कौन सा है? एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। सर टी में कौन सा होगा? टैनिक एसिड। सर विनेगर में कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिसको आपको याद करना है प्रॉपर तरीके से और इसको कॉपी पे नोट डाउन करना है। क्लियर। मैं इस पूरे वीडियो में आपको एसिड्स के बारे में ढंग से अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्लियर। देखिए यहां पर और भी एसिड्स के नेम लिखे हुए हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स के हैं जो
जो आपको क्लास 10 में पूछी जा सकती है। तो सिंपल है, यूराइन में कौन सा जो यूराइन, यूराइन में होता है यूरिक एसिड। सर फैट में कौन सा होता है, जो फैट है कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स है उसी के प्रकार है फैट। तो फैट में कौन सा है, स्टीयरिक एसिड सर, स्टीयरिक एसिड। सर विनेगर में कौन सा फॉर्म एसिड है, एसिटिक एसिड। ये बहुत क्वेश्चन हो जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, व्हिच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, यू कैन से दैट एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, यू राइट इट CH3COOH, क्लियर। एंड इसका केमिकल नेम सब क्या होगा, केमिकल नेम होगा इथेनोइक एसिड। बेसिकली बोला था एथेनोइक एसिड, क्लियर। विनेगर का केमिकल नेम एंड इट्स अ फॉर्मूला एंड इट्स अ कॉमन नेम। इसको जनरली हम बोलते हैं घरों में कि विनेगर वगैरह यूज करते हैं, हिंदी में सिरका बोला जाता है। एंड व्हिच एसिड प्रेजेंट इन टी, यू कैन से दैट टैनिक एसिड प्रेजेंट इन टी। व्हिच एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। एंड व्हिच एसिड इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव, फर्स्ट चैप्टर में ध्यान देखिए ना, मतलब फूड प्रिजर्वेशन, जब खाने को बचाते हैं सड़ने से, तो लैंसिन इज थे तो उसे उसकी वजह से होता है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, बेंजोइक एसिड। तो यहां पे फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब है बेंजोइक एसिड इसमें यूज किया जाता है, क्लियर। आपको इसके फॉर्मूले पूछने होंगे, सारे फॉर्मूले आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाना भी सिखा दूंगा, बट आपकी क्लास में भी है, क्लियर। अब हम बात करते हैं ये मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड, सर मिनरल्स हम क्या जो अर्थ के अंदर से देते हैं, और दूसरी बात इसको हम नाउ स्पैन लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, ध्यान रखिए। तो व्हाट इज द मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स होते हैं द एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं। कौन कौन से मिनरल एसिड इंपॉर्टेंट है, पहला है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, मैं नाइन क्लास में सबको लिखा चुका हूँ, किंग्स ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल्स, क्लियर। फोर्थ होता है, थर्ड होता है H10O3, ये है नाइट्रिक एसिड, क्लियर। ये तीन इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं मिनरल एसिड्स, और मेनली केमिकल रिएक्शन जो लेबोरेटरी में होती है इन एसिड्स की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। इसके बाद एक एसिड और आता है जो होता तो मिनरल है, होता स्ट्रॉन्ग है, मगर हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। उस एसिड का नाम होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। जनरली ये पाया जाता है पेप्सी वगैरह में, जो आपके पास कोक होती है, कोक जिसे कोका कोला ही बोलते हैं, पेप्सी वगैरह, उस ड्रिंक में ये H2CO3 एसिड पाया जाता है, क्लियर। ये आपके हैं ऑर्गेनिक एसिड में नहीं पड़ा होता, और ये आपके मिनरल एसिड, ये तीन इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है, इसको आपको याद करना है और कॉपी पे नोट डाउन करके अच्छे से नोट्स लेना है। क्लास 10 के किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम हो, सर मुझे ये चीज नहीं आती, मैं उसको बता दूंगा, क्लियर। बाय बाय।